हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज की वीडियो में मैं एनालिटिक फंक्शन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क को डिस्कस करने वाला हूं, जिनमें काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में, और इसकी जो नेसेसरी कंडीशन थी वो मैंने आपको क्या बताई थी, है ना। तो अगर एनालिटिक फंक्शन की बात करें, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारा कोई फंक्शन एफ जेड है, ठीक है, हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ जेड है ये जेड नोट पॉइंट पर एनालिटिक होगा, ठीक है। ये जो फंक्शन हमारा एफ जेड है ये जेड नोट पॉइंट पर एनालिटिक होगा यदि ये जेड नोट पर डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ में इसका कोई आप छोटा सा नेबरहुड बनाओ। इस मूल नेबरहुड मैंने बनाया, देखो ये सर्किल मैंने बनाया, इसका छोटा सा नेबरहुड, और इस नेबरहुड के सभी पॉइंटों पर, इस नेबरहुड के सभी पॉइंटों पर भी ये फंक्शन हमारा जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, तब हम बोलते हैं फंक्शन हमारा एनालिटिक है। फिर से बताता हूँ कि एफ जेड हमारा जो फंक्शन है वो जेड नोट पॉइंट पर एनालिटिक कहलाएगा यदि वो जेड नोट पे डिफरेंशिएबल तो हो ही, है ना, जेड नोट पर तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो ही, लेकिन इसके साथ साथ में अगर आप इसका कोई छोटा सा नेबरहुड बनाते हो, जैसे कि मैंने ये नेबरहुड बनाया एक सर्किल की फॉर्म में, है ना, इसका आप छोटा सा नेबरहुड बनाओ, उसके सभी पॉइंटों पर भी ये जो पॉइंट मैंने देखो ग्रीन कलर से बनाए हैं, इसके जितने भी ये पॉइंट जेड नोट के आसपास लाई करेंगे उन पॉइंटों पर भी ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा जो है जेड नोट पॉइंट पर एनालिटिक है। तो एनालिटिक की डेफिनेशन पहले अच्छे से समझनी पड़ेगी आपको जो मैंने बताई है, है ना। जेड नोट पर डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ में उसका छोटा सा नेबरहुड अगर हम ड्रा करते हैं तो उनके नेबरहुड पर जो आसपास पॉइंट होंगे जेड नोट के उस पर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम बोलते हैं फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से एक बात तो क्लियर हो गई होगी आपकी कि जो भी एनालिटिक फंक्शन होते हैं, जो भी एनालिटिक फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होंगे लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, एनालिटिक फंक्शन इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट के लिए या ओवरऑल के लिए, ठीक है, तो हमारा फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हमारा एनालिटिक भी हो, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी होगा कंटिन्यूअस भी होगा लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि उस पॉइंट पर एनालिटिक भी हो, ठीक है। तो जैसे मैंने नीचे एक एग्जाम्पल बताया है, इसमें बताऊँगा मैं आपको। नंबर टू रिमार्क में मैंने यही लिखा है कि इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, अगर फंक्शन एफ जेड जो है किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है देन इट मे और मे नॉट बी एनालिटिक एट दैट पॉइंट। तो ये जो फंक्शन है उस पॉइंट पर एनालिटिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर ये तीन एग्जांपल लिखे हैं जिसमें से मैं एक आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तीन एग्जाम्पल कौन कौन से है, अगर आप एफ जेड को मोड जेड का स्क्वायर लेते हैं तो ये फंक्शन भी जो है जीरो पर डिफरेंशिएबल तो है लेकिन ये जीरो पर एनालिटिक नहीं होगा। अगर आप एफ जेड को जेड जेड बार की मल्टीप्लाई के इक्वल लेते हैं तो ये फंक्शन भी जीरो पर डिफरेंशिएबल तो होता है लेकिन ये एनालिटिक जीरो पर नहीं होता है। ऐसे ही आप एफ जेड को अगर जेड बार का स्क्वायर लेंगे, जेड बार के मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो वो भी हमारा जो है जीरो पर डिफरेंशिएबल तो होता है लेकिन वो एनालिटिक नहीं होता है ना। अब इसको मैं इनमें से एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दो बार एग्जांपल आया भी है ये हमारा। डिस्कस द एनालिटिसिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। किस पॉइंट पर आपको चेक करना है, जीरो पर भी चेक करना है और जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो पर भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन हम लिख लेते हैं। फंक्शन आपको दिया है एफ जेड इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर, ठीक है। यदि आप एफ जेड की डेफिनेशन को आप जानते हैं, एफ जेड होता है आपका यू प्लस आई वी फंक्शन के इक्वल, और जेड में हम यदि एक्स प्लस आई वाई जेड की वैल्यू रखें तो एक्स प्लस आई वाई का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पर हम रख देंगे, है ना, सॉरी एक्स प्लस आई वाई के मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा वो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो मॉडुलस में अंडर रूट आता है वो स्क्वायर की वजह से आपका जो है हट जाएगा।
तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, जिसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि u प्लस आई वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस आई इंटू जीरो। तो इससे आप अगर कंपेरिजन करते हो तो आपको यहाँ पर u और v की वैल्यू मिलेगी। देयरफोर u की जो वैल्यू आएगी, u की वैल्यू होगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी जीरो। तो आपने एफ जेड की हेल्प से पहले u और v को फाइंड किया, ठीक है ना। अब हम पहले यहाँ पर जीरो पर डिफरेंसिबिलिटी चेक करेंगे इस फंक्शन के लिए, ठीक है ना। तो एट जीरो जीरो, एट ओरिजिन जीरो जीरो पर चेक करेंगे। जीरो जीरो का मतलब होता है जेड इक्वल टू जीरो पर, है ना। जेड इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे हम डिफरेंशिबिलिटी। यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिबिलिटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने डिफरेंशिबिलिटी एट जीरो जीरो, यानी कि एट जेड इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिबिलिटी। अगर डिफरेंशिबिलिटी की आपको डेफिनेशन याद है तो जीरो पर आप चेक करेंगे, जीरो पर आपकी फॉर्मूला बनेगा लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड, इसको हम कई बार यूज कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे, है ना। जो आपका एफ जेड फंक्शन है वो हमारा कन्वर्ट होके बना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने एक्स वाई की फॉर्म में लिख दिया, और एफ जीरो की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर जेड को जीरो रखने पर वो जीरो वैल्यू देगा, और अपॉन में आपको मिलेगा जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई। और चूंकि पूरा फंक्शन एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट भी हमारी एक्स वाई में ही कन्वर्ट हो जाएगी टेंडिंग टू जीरो जीरो, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आई वाई। इसको मैं इक्वेशन वन डाल देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंसिबिलिटी चेक करने के लिए आपको पाथ कंसिडर करना होता है ना। तो हमने यहाँ पर पाथ लिया, एक ऐसा पाथ लेता हूँ यहाँ पर जो m पर डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया टेक z टेंडिंग टू जीरो अलोंग द पाथ, ठीक है। हमने z टेंडिंग टू जीरो यहाँ पर लिया अलोंग द पाथ y इक्वल टू एम एक्स। ये एक पाथ है देखने में तो, लेकिन m की वैल्यू वन रखेंगे तो एक पाथ आएगा, m की वैल्यू टू रखेंगे दूसरा पाथ आएगा, m की वैल्यू थ्री रखेंगे तो तीसरा पाथ आएगा। तो ये बहुत सारे पाथ आपके मैंने एक ही फॉर्म में ले लिए। तो यदि हम इसमें y की वैल्यू को mx रखते हैं तो ये लिमिट आपको देगी लिमिट z टेंडिंग टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप y की वैल्यू को mx रखोगे, है ना। और ये x की ही लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा x टेंडिंग टू जीरो, है ना। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x से x कैंसिल आउट होगा कॉमन लेने पर, है ना। एक x बचा रहेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 प्लस आई एम, ठीक है। अब m की यहाँ पे आप कितनी भी वैल्यू ले लेना, क्योंकि कॉन्स्टेंट बन गया, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। m की वैल्यू 1 लो, m की वैल्यू 2 लो, m की वैल्यू 0 लो, m की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, आपको ये हमेशा 0 ही लिमिट मिलेगी, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पर जितने डिफरेंट डिफरेंट पाथ लेंगे उतनी ही आपको वैल्यू आपकी जीरो मिलेगी लिमिट की। तो यू कैन से दैट दिस इम्प्लाइज लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो ये जो लिमिट आई है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी वाली, ये इंडिपेंडेंट है पाथ से, और यदि पाथ से इंडिपेंडेंट है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आप कह सकते हैं कि जो एफ जेड फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ओरिजिन पर, यानी कि जेड इक्वल टू जीरो पर, डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो पर। तो ये फंक्शन तो आपका जो है जेड इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। अब जेड इक्वल टू जीरो पर ये डिफरेंशिएबल हो गया, अब हम यहाँ पर ओरिजिन पर कोची रीमान इक्वेशन चेक करेंगे, है ना, एट जीरो जीरो। या कोची रीमान इक्वेशन डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, कोची रीमान इक्वेशन। यदि आप कोची रीमान इक्वेशन फाइंड करते हैं तो कोची रीमान इक्वेशन में आपको पता है आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई। ये चारों वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी कोची रीमान इक्वेशन के लिए, जो कि यू वी की हेल्प से निकलेगी। यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वी की वैल्यू है जीरो। तो यदि v की वैल्यू जीरो है तो v का x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करने पर जीरो वैल्यू देगा,
और v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर जीरो वैल्यू देगा, और u का x के रेस्पेक्ट में करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर u की वैल्यू है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आएगा, वाई स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x कांस्टेंट होगा, 2x का जीरो हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू है वो हमारी डेल v अपॉन डेल y के इक्वल नहीं है। ठीक है, एंड जो आपकी डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू है वो माइनस डेल v अपॉन डेल x के इक्वल नहीं है। कब? यदि आप यहाँ पर कोची रीमान इक्वेशन 4 z इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो z इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए आपने कोची रीमान इक्वेशन फाइंड की जो कि सेटिस्फाइड नहीं होती। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज आप कह सकते हैं कि सी आर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड एट जेड, या फोर लिख देता हूँ, फोर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो कोची रीमान इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती यदि आप जेड को इज नॉट इक्वल टू जीरो लेकर के चलते हैं। ठीक है, और अगर सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होती तो नेसेसरी कंडीशन में आपने पढ़ा था कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, इसका मतलब जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन एनालिटिक कभी भी नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज आप कह सकते हैं एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं होगा फोर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है, और एनालिटिक किसके इम्प्लाइज करता है? डिफरेंशिएबिलिटी को। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसके लिए? फोर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। तो आपने ऊपर चेक किया कि ये जो फंक्शन है जेड इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है, बाकी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो पर बाकी आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए जीरो से अलग, ठीक है ना, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, जो कि आपने कोची रीमान इक्वेशन की हेल्प से प्रूफ किया है, है ना। तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्शन, एक फिगर से बताता हूँ मैं आपको। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट मेरा जेड इक्वल टू जीरो पॉइंट है। ये पॉइंट मेरा कैसा पॉइंट है? जेड इक्वल टू जीरो पॉइंट है। ऊपर आपने प्रूफ कर दिया कि जेड इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, जेड इक्वल टू जीरो पर एफ जेड जो है वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। लेकिन इसके अगर आप नेबरहुड बनाते हो, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जेड नोट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ में उसके एक छोटा सा नेबरहुड अगर आप बनाते हो तो उसके नेबरहुड के पॉइंटों पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब वो एनालिटिक होता है उस पॉइंट पर। तो यदि आप यहाँ पर इस जेड इक्वल टू जीरो का एक छोटा सा नेबरहुड बनाओ, ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू आपकी इस जेड इक्वल टू जीरो पॉइंट से अलग जाएगी, ठीक है, वो सारी की सारी पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे मैं डॉट करके दिखाता हूँ, ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये कौन से होंगे? ये पॉइंट होंगे आपके जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो वाले। ठीक है, क्योंकि जेड इक्वल टू जीरो वाला तो एक ही पॉइंट है और एक इस पॉइंट पर फंक्शन आपका क्या है? डिफरेंशिएबल है। लेकिन इसका जो नेबरहुड आपने बनाया, यानी कि जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर हम लेते हैं, तो ऊपर आपने प्रूफ किया है कि फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एफ जेड जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या ये एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है? फंक्शन हमारा ओरिजिन पर जीरो पर तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसका जो नेबरहुड हम बनाते हैं उसके आसपास बहुत सारे नॉन जीरो पॉइंट आपके ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एनालिटिक फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं, हैंस इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एफ जेड है इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। ठीक है, तो आपने देखा ये फंक्शन हमारा ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन ये फंक्शन चूंकि जीरो के नेबरहुड बनाने पर उसके पॉइंटों पर नेबरहुड के ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस वजह से हम कहेंगे ये जो फंक्शन हमारा है ये एनालिटिक नहीं है। ठीक है, एनालिटिक एनीवेयर, ये कहीं भी फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ओरिजिन की कंडीशन और नॉन जीरो की कंडीशन में मैंने बताया आपको, ये आपका इम्पोर्टेंट एग्जांपल है काफ़ी। इसमें मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल तो है लेकिन ये ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। ठीक है,
ओरिजिन पर क्या है, कहीं भी एनालिटिक नहीं है, क्योंकि कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता, और अगर कोची रीमान इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होती तो एनालिटिक फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया है। इसी कंसेप्ट को आप यूज़ करके कई सारे एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर लिखे हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पर और लिखता हूँ जो एग्जाम में आता है, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड की पावर 4, बिल्कुल सेम तरीके से वो भी होता है, और ये भी आपका क्वेश्चन जो है 2015 में एक बार आया हुआ है सेम तरीके से।